पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के उपलक्ष्य में किसान सभा का किया गया आयोजन। बकेवर किसान सेवा सहकारी समिति में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर जयंती दिवस को सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया। इसका आयोजन इटावा डिस्ट्रिक्ट को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड इटावा के द्वारा किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष गोपाल मोहन शर्मा रहे। गोपाल मोहन शर्मा ने किसानों को संबोधित करते हुए किसान बिल की जानकारी दी और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि समर्पित की। कार्यक्रम में शाखा प्रबंधक उदयवीर यादव, बकेवर किसान सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष अशोक शुक्ला, सहकारी संघ के अध्यक्ष बृजेश शर्मा, उपाध्यक्ष प्रतिनिधि अनु तिवारी, बेटा लाल यादव, महेश चंद्र, राम सिंह गिरधारी लाल शर्मा सहित बहुत संख्या में किसान मौजूद रहे और सभी ने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उद्बोधन सुना। सिटी टुडे समाचार, बुलंद भारत बुलंद खबर, अर्जेंट सिंह की रिपोर्ट। सरकार की योजनाएं आपके सामने हैं। आज मेडिकल के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाना, व्यक्ति का विकास करना, सर्वांगीण विकास करना और आतंकवाद को दुनिया की धरती से मिटाने का संकल्प लेकर हमारे आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपनों को साकार करने का जो संकल्प लिया है, उसमें कहीं ना कहीं हम और आपकी सकारात्मकता में, हम और आपकी शक्ति में, हम और आपके सहयोग में, मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से आदरणीय मोदी जी को जनता की, जनार्दन की, किसानों की एक बड़ी ऊर्जा मिलेगी। और जब ऊर्जा मिलती है भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, तो निश्चित रूप से वो भारत की धरती पर जो सरकार की योजनाओं में जो गरीबी मिटाने का संकल्प है, जो समाज के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर खुशहाली लाने का जो दृढ़ इच्छा शक्ति है, उस दृढ़ निश्चय में आदरणीय मोदी जी गरीबी भी मिटाएंगे, शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन करेंगे, कृषि के क्षेत्र में, किसानों के क्षेत्र में, जो किसान अपना अनाज विभिन्न प्रकार के कमीशनों से, विभिन्न प्रकार के मंडी शुल्क से, जिन विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का जो किसान सामना करते थे, उन किसानों को कहीं भी महंगे दामों पर अपने अनाज को बेचने की स्वतंत्रता का संकल्प सरकार का है। सिटी टुडे समाचार, बुलंद भारत बुलंद खबर।